नमस्कार, मैं रमेश शर्मा स्वागत करता हूं आपका जीवन उत्साह न्यूज पर। और जैसा कि पिछले दो दिन पहले हमने आपके बीच में एक न्यूज को प्रस्तुत किया जिसमें 108 नंबर एम्बुलेंस सर्विसेज जो हिमाचल प्रदेश में सभी अस्पतालों के माध्यम से मुफ्त सेवा दी जाती है, और ये कहा जाता है कि ये एक ऐसी सर्विसेज है जहां पर किसी भी व्यक्ति को अगर कोई समस्या हो जाए, मेडिकल संबंधित समस्या हो जाए, तो उसको इस एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल तक लाया जा सकता है या कहीं आगे पीछे ले जाया जा सकता है। बहुत ही बेहतरीन प्रयास है हिमाचल सरकार का कि एक ऐसी सर्विस दी है जिस सर्विस के माध्यम से गरीब व्यक्ति भी अपने आप को अस्पताल तक पहुंचा सकता है। इस एम्बुलेंस को सर्विस देने वाली कंपनी का जो नाम है वो है GVK EMRI, और ये कंपनी हिमाचल सरकार के एक टेंडर के माध्यम से सर्विसेज देती है सभी अस्पतालों में। जैसा कि मैंने आपको पिछली न्यूज में भी बताया था कि लगभग 198 एम्बुलेंसेज ऐसी बताई जा रही हैं जो हिमाचल प्रदेश में कार्यरत हैं सभी अस्पतालों के अंदर। जैसा कि बोटा की एम्बुलेंस को लेकर हमने आपको दिखाया कि पिछले 9 महीने से उसके अंदर ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है और ना ही मेडिसिन, जो कि लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं, जो मेडिसिन इसके अंदर उपलब्ध होनी चाहिए वो भी उपलब्ध नहीं रहती हैं। अब हमने इसको लेकर आगे बात की, प्रयास किया, और हमने समझना चाहा कि क्या ये समस्या केवल भोटा तक ही सीमित थी या आगे भी है। तो इस समस्या को लेकर आज हम बड़सर अस्पताल में, सिविल अस्पताल जो है उसमें आए हैं, और उसमें हम जानना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं इस एम्बुलेंस का ग्राउंड रिपोर्ट पर क्या आधार है। और इसके लिए पहले मैं आपको पहले इस एम्बुलेंस के बारे में दिखाना चाहूंगा। देखिए, इस पर लिखा नेशनल एम्बुलेंस सर्विस NAS 108 टोल फ्री, यानी कि फ्री सर्विसेज चलाई जाती है हिमाचल सरकार की तरफ से। अब फ्री सर्विस चलाने का अर्थ ये तो नहीं है कि इसके अंदर सुविधाएं ना मिले, क्योंकि सरकार इस कंपनी को पूर्णतया पैसा देती है। टेंडर है इस ऑर्गेनाइजेशन का, इसका टेंडर अभी कितने का है वो पता नहीं चल पाया, लेकिन आगे हम आपको बताएंगे। इसके जनरल सेक्रेटरी साहब से भी बात नहीं हो पाई, लेकिन हम आपको बताएंगे कि इसका पूरे साल का टेंडर कितना है और कितना पैसा सरकार दे रही है, उसके बावजूद ये कंपनी सर्विस नहीं दे रही है। आखिर कारण क्या है, वजह क्या है, और क्यों लोगों को इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमारे बीच में इस एम्बुलेंस के ड्राइवर और जो फार्मासिस्ट साथ में होते हैं उनके माध्यम से हम आपको लेकर चलना चाहते हैं। लेकिन यहां पर आपको मैं और भी ध्यान दिलाना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के ऊपर, जहां सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी है कि एम्बुलेंस के अंदर इस तरह की सर्विसेज होनी चाहिए, ये सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस इसके अंदर कोई भी चीज नहीं पाई जा रही है। पहला पॉइंट यहां पर यह है। अब जैसे कि परसों स्टेटमेंट बताई गई, कुछ वहां के ड्राइवर ने बताया कि लगभग 198 एम्बुलेंसेज में से लगभग 50 एम्बुलेंस ऐसी हैं जिनके ब्रेक डाउन है और जो कि अब चलने योग्य नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको पास कर दिया जा रहा है, या इस तरह की बहुत सारी समस्याएं बताई जा रही है। लेकिन हम सच्चाई जानेंगे या इसके जो ड्राइवर हैं और जो फार्मासिस्ट हैं, क्योंकि वो इसके साथ रहते हैं, तो बात करते हैं उनके साथ में। चलिए बात करते हैं और आपको बात कराते हैं इस सर्विसेज को लेकर क्या क्या समस्याएं आ रही। हमारे बीच में इस एम्बुलेंस के जो फार्मासिस्ट हैं वो खड़े हैं। सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ, क्या नाम है? मेरा नाम संदीप कुमार है। मिस्टर संदीप कुमार जी, जैसा कि भोटा के अंदर ये शिकायत आई थी कि एम्बुलेंसेज के अंदर दवाइयां उपलब्ध नहीं हो रही हैं, इसकी ग्राउंड रिपोर्ट जानने के लिए, फैक्ट जानने के लिए हम आपके बीच में आए हैं। आप बताइए जी, आपके एम्बुलेंस में अंदर क्या जो लाइफ सेविंग ड्रग्स होने चाहिए ये सब उपलब्ध हैं? नहीं सर, पूरी उपलब्ध नहीं है सर। कब से उपलब्ध नहीं है? कम से कम सर 3-4 मंथ हो गए सर, और कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स जो पिछले मंथ एक्सपायरी हो गई है। अच्छा, 3 महीने से आपके पास नहीं है। हाँ जी। तो क्या इसको लेकर आपने कोई प्रयास नहीं किया, अपने ऑर्गेनाइजेशन जिसके माध्यम से आप कार्य करते हैं, या आपने BMO साहब को या सरकार को कोई कहने का प्रयास किया हो कि इसके अंदर जो दवाइयां चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार होनी चाहिए, वो नहीं है, तो क्या आपने इस पर कोई प्रयास किया है? हाँ जी सर, हमने जो हमारी JBK कंपनी है वो इसका आइडेंटिटी भेजती है जी, तो हम जो है हर 3 महीने के ऊपर जो एक्सपायरी होते निकालते हैं जी, और हर महीने दूसरे महीने के बाद भेजते हैं। तो जब आपने ये भेजा तो उनका कोई जवाब आया इसको लेकर? उन्होंने बोला कि भेज देंगे, बट अभी पहुंचा नहीं है। ये कितने टाइम पहले की बात है उनका भेज देंगे? 2-3 महीने पहले बताते हैं। अच्छा, 2-3 महीने से अभी तक नहीं आई। नहीं। अच्छा, हमारे बीच में इसके जो ड्राइवर हैं हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। जी साहब, आप बताइए, जैसे कि इस एम्बुलेंस को आप चलाते हैं, इसको लेकर बहुत सारी गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट की हैं, हमें बोटे में पता लगा कि बस इन जो एम्बुलेंस है उनके माइक भी काम नहीं कर रहे हैं, क्या आपके एम्बुलेंस का माइक काम कर रहा है? नहीं सर, माइक नहीं कर रहा सर। कितने टाइम से काम नहीं कर रहा है? सर हो गए लगभग 1-2 महीने। 1-2 महीने? तो क्या ये आपकी गाड़ी पास नहीं होती है? हाँ जी सर, होती है। तो जब पासिंग होती है तब क्या माइक नहीं चेक किया जाता? नहीं सर, माइक तो पता नहीं सर, माइक नहीं किया जाता। आपने इसकी पासिंग कब कराई अभी? सर पिछले महीने हुई थी। पिछले महीने इसकी पासिंग हुई, तो उस टाइम किसका माइक चल रहा था? पता नहीं सर, ये तो मुझे पता नहीं। नहीं, आपने चला के देखा तो चल रहा था माइक? सर मैंने सर यहाँ पे सर छुट्टी कराने आया हूँ ना सर। अच्छा, वैसे मैं सर मैं 102 एम्बुलेंस चलाता हूँ सर। अच्छा ठीक है, मैं वापस आपके पास आ रहा हूँ साहब। इसका जो माइक है
जैसे कि ये बता रहे हैं खराब है, कितने टाइम से खराब है जी? आप तो साथ में ही होंगे इसके? तीन चार महीने हो गए जी। तीन चार महीने से खराब है माइक। तो इसकी जो पासिंग हुई है पिछले एक महीने, क्या आप भी वहाँ उपलब्ध थे? नहीं सर, मैं उपलब्ध नहीं था। तो माइक को चेक नहीं किया गया पासिंग के अंदर? सर उस टाइम तो मैं था नहीं ना, क्योंकि सिर्फ पायलट जाता है वहाँ पे। मतलब आपका माइक चार महीने से खराब है, लेकिन पासिंग पिछले महीने हुई है। लेकिन पासिंग होने का मतलब ये था कि आपका माइक सही होना चाहिए था, लेकिन अभी तक वो माइक सही नहीं है। चलिए, यहाँ पर एक और भी सवाल, जैसे कि यहाँ बोटा में ऑक्सीजन को लेकर समस्या थी कि ऑक्सीजन नहीं थी उनके पास नौ महीने से। आपकी जो ये बैन है उसके अंदर ऑक्सीजन है वो कितने टाइम से उपलब्ध है या नहीं है? सर ऑक्सीजन तो हमारे पास है, बट जो उनकी पाइपों आगे इशू होता है ना, सिलेंडर फ्लो मीटर जाता आगे, वो पाइपें ब्लॉकेज है सर। कितने टाइम से ब्लॉकेज है? सर वन मंथ हो गया, एक महीना हो गया। तो आपको ठीक नहीं कराया गया इनको? नहीं सर, मैंने बताया अभी ठीक तो हुआ नहीं सर। अच्छा सर, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि जैसे कि आपके पास कोई पेशेंट का कॉल आता है कि हमें एम्बुलेंस चाहिए, तो ऐसे में जब अगर कोई ऐसा पेशेंट आता है जो हार्ट का पेशेंट है, उसको सांस की जरूरत है या ऑक्सीजन की जरूरत है, तो फिर आप ऐसे में क्या करेंगे? सर ये पेशेंट को मना करना पड़ता है या फिर हॉस्पिटल से लेनी पड़ती है ऑक्सीजन? मतलब आपको उसको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी हॉस्पिटल से या फिर उसको मना करना पड़ता है? तो हॉस्पिटल अपनी तरफ से देता है या आपसे चार्ज करता है इसका? अपनी तरफ से देता है। तो आपकी कंपनी ने जो टेंडर लिया हुआ है उसका क्या फायदा हुआ? जब हॉस्पिटल ने गैस देनी है, ऑक्सीजन देनी है, तो फिर आपकी कंपनी का जो टेंडर है, जो आपकी कंपनी ने सर्विसेज देनी है, वो क्यों नहीं दे पा रही है? आपने कभी कंपनी से बात करी इस पे? सर करते हैं बात, बट बोलते हैं भेज देंगे, बट नहीं होता कुछ जी। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा प्रश्न निकल कर आता है कि आखिर जिस कंपनी को टेंडर दिया गया है वो सर्विसेज क्यों नहीं दे रही है, और ऐसा क्यों होता है कि पेशेंट को मना करना पड़ता है? इसलिए क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है और लाइफ सेविंग ड्रग्स नहीं है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ये साफ कहना है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस में ये बताया गया है कि इस एम्बुलेंस के अंदर हर तरह की सुविधा होनी चाहिए। जब सरकार दावे करती है, बड़े बड़े दावे करती है फ्री सुविधा देने की, तो उस सुविधा के ऊपर जो कमियां हैं उनको ठीक करने की जिम्मेवारी किसकी है? क्या किसी व्यक्ति की जान चली जाए तब सरकार जागेगी, या फिर जिस कंपनी को टेंडर दिया है वह कंपनी मिलीभगत करके कोई भी कार्य करेगी? आखिर प्रश्न क्या है, समस्या क्या है, इसको समझना जरूरी है। और मेडिकल डिपार्टमेंट को, हेल्थ डिपार्टमेंट को इसके उधर जरूर संज्ञान लेना चाहिए और समझना चाहिए कि इससे जुड़ा हुआ है एक आम आदमी का जीवन, किसी व्यक्ति का भी जीवन यहां पर समाप्त हो सकता है, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, किसी व्यक्ति का परिवार का कोई व्यक्ति इस दुनिया से सिर्फ इस कमी की वजह से जा सकता है, क्योंकि आपके पास सुविधाएं नहीं है, जबकि आप पैसा पूर्ण रूप से दे रहे हो इस कंपनी को। तो आखिर कारण क्या है? हमने भोटा की एम्बुलेंस के बाद में अब बड़सर का सर्वे किया है, हम अभी आपके बीच में और भी एम्बुलेंसेज जो लगभग पूरे हिमाचल में काम करती हैं, हम प्रयास करेंगे एक एक एम्बुलेंस के पास जाने का, उनको समझने का और देखने का कि उनके अंदर क्या क्या कमियां पाई जा रही हैं। कैमरामैन चंदेश कुमार के साथ में मैं रमेश शर्मा, जीवन उत्साह न्यूज से, थैंक यू वेरी मच।